पहली बात तो इसमें अपना डीजल की बचौतरी मिलेगी आप। अच्छा हाँ, और दूसरी बात इसमें अपना ट्रैक्टर बिल्कुल ना दबेगा, बिल्कुल लोडिंग में बिल्कुल दबेगा नहीं इसमें। अच्छा अच्छा चलेगा। तीसरी बात है भूसे में ना दाना फेंकेगी, ना दाना फेंकने की शिकायत मिलेगी, ना फोड़ने की मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बेधड़क होगा एक घंटे में, एक घंटे में 30-35 क्विंटल निकाल, अगर लेबर अच्छी है तो 40 क्विंटल तक भी। अच्छा 40 क्विंटल तक। सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु जी चैनल पर खेती बाड़ी के नेटवर्क। किसान भाइयों आज पहुंच चुका हूं मनोरपुर एग्रो इंडस्ट्रीज बड़ौदा में। दोस्तों आज आपको यहां पर बहुत ही कमाल की, बहुत ही शानदार आपको जो है कटर दिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको पता ही होगा राजस्थानी जो थ्रेसर या कटर कोई भी हो बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पूरे देश में। तो दोस्तों आज आपको इस कटर की क्या खासियत है, मल्टी क्रॉप है या पैडी है, क्या निकालने वाली है, क्या क्वालिटी है और हमारे किसान भाई इसी कटर को मनोरपुर एग्रो इंडस्ट्री की कटर को ही क्यों खरीदें, तो पूरी जानकारी लेने वाले हैं मेरे पास। मेरे साथ में है सकुल भाई जो कि कंपनी के ओनर। सकुल भाई आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल स्वागत है जी। आपका स्वागत है जी। तो सकुल भाई आप अपने एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। अपना जो मनोरपुर एग्रो इंडस्ट्री है ये पड़ता है बड़ौदा में वालोर पर। जी जी। तो सकुल भाई आपकी मैं कटर देख पा रहा हूँ, बहुत सारी यहाँ पे कटर बन भी रही हैं और ये कटर देख पा रहा हूँ ये रेडी है आपकी कटर। तो अभी बात करते हैं इससे हम कौन कौन सी फसल की निकासी कर सकते हैं। इससे अपने जो भी फसल, किसान भाइयों की जो भी फसल, सारी फसल निकाल सकते हैं। जी जी सारी। फिर भी आप थोड़ा सा बताएं, चावल वगैरह भी निकाल देगी क्या? चावल धान वगैरह सारी फसल निकाल देगी, ज्वार बाजरा मक्का सारी फसल निकाल देगी। अब बात करते हैं, देखिए फसल तो निकाल देगी। तो सकुल भाई अभी हमने बात की कि सारी फसल निकाल देगी, अब बात आती है हमारी किसान भाई की सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या रहती है कि किसी के पास में तो 30 HP का ट्रैक्टर है, किसी के पास में 35 HP का है, किसी के पास में 40 HP का है। तो आपकी जो ये कटर है ये कितने HP के ट्रैक्टर पर चलेगी और क्या फ्यूल कंजप्शन रहेगा, लोड फ्री चलेगी या नहीं चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दिक्कत करे हमारे किसान भाई? ऐसा रहता है कि जैसे मान लो कोई कस्टमर के पास 35 HP का ट्रैक्टर है जी, भी सपोर्ट करेगी उसी हिसाब से। हमारे नीचे की पुलिया होते हैं ना अपने पीठ के, उसी हिसाब से लगाते हैं। अच्छा बताइए क्या 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 सेटिंग आपने एक्स्ट्रा की हुई है? और जो इसमें ट्रैक्टर का RPM रहते हैं जी के आधार पर इसमें हम पुलिया लगाते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर में 2 इंची का गैप चलता है, किसी में 1 का चलता है, किसी में 1.5 का, ट्रैक्टर के RPM के आधार पर ये पुलिया लगती है। तो आप बात करते हैं जैसे इसमें हम गेहूँ की निकासी कर रहे हैं या सरसों की निकासी कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोडक्शन रहने वाला है वो लगभग लगभग कितना रहने वाला है? गेहूँ की निकासी पे इसमें ट्रैक्टर चलेगा अपना 13-14 की स्पीड पर। अच्छा अच्छा, नहीं स्पीड पे तो 13-14 की पे चलेगा लेकिन। जी जी जी। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम व्हील के बारे में कि व्हील आपने इतना बड़ा दिया हुआ है तो इतना बड़ा व्हील क्यों दिया है? ये अपने जैसे मान लो जैसे लोडिंग में चलती है मशीन, ये बैलेंस साधने के लिए रहता है। अच्छा अच्छा, बैलेंस करने के लिए और मेंटेन रखता है बैलेंस। जी जी जी। तो ट्रैक्टर इससे लोड फ्री भी चलता है क्या? जी। तो इसकी व्हील की साइज क्या रहेगी? इसकी व्हील की साइज है 48। तो सकुल भाई अभी ऑल इंडिया में बहुत सारी कंपनी कटर बना रही हैं, लेकिन आपकी कटर में ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमारे किसान भाइयों को पसंद आए, हमारे किसान भाइयों को जो है ये पसंद आए और क्वालिटी कुछ ऐसी दिखे जिससे वो इसको खरीदें? पहली कंप्लेंट वगैरह आती है हम तो ठीक करके देंगे। पहली बात हम यही टाइम ले लेते हैं कस्टमर से, मशीन तब देते हैं जब यहाँ सारा काम ओके हो जाता है हमारी तरफ से। अच्छा, तो यही आप चेक करके पहले जब बाद में किसान को देते हैं? बाद में देते। जी जी जी। अगर बाई चांस कोई भी दिक्कत आती है तो हम उनकी समस्या समाधान करते हैं। जी 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 जी। तो आप बात करते हैं जो ये आपने पुली वगैरह दी है तो इनकी क्वालिटी क्या है, कैसी क्वालिटी के हैं, उच्चतम क्वालिटी के हैं या लो क्वालिटी, किस क्वालिटी? उच्चतम क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी का माल लेटरल हम यूज करते हैं। जी जी जी। बाकी जो भी माल है हमारे पास IS की मोहर में टोटली माल। अच्छा, IS की मोहर में मिलेगा। अब बात करते हैं जैसे चलने दिए हुए हैं, इसमें कितने चलने टोटल दिए हुए हैं? इसमें 3 चलने हैं, इसमें 3 जाले, 1 तो 0 नंबर, 1 13 नंबर, 1 15 नंबर। जी जी जी। तो सकुल भाई अब बात करते हैं जो चलना वगैरह इसमें दिए हुए हैं, जाली दी हुई है, तो कितनी जाली दी हुई है और जो अनाज हमारा निकलेगा उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कचरा वगैरह आए? देखो कचरे वगैरह की बात ऐसी, अपने इसमें जाली अपने कस्टमर को समझा के देते हैं, नॉलेज नहीं है तो फोन करके पूछ सकता है। अच्छा, इसमें अपने फसल के आधार पर ही जाली लगेंगी। तो अब जैसे हम बात करें इस चलने की जो चाल होती है
उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं? यहाँ से नट दे रखा इसके अंदर। अच्छा, वेरी वेल, में बढ़ती कर सकते हैं इसका। अच्छा अच्छा, एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो एलिवेटर दिया हुआ है, तो एलिवेटर की क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताइए, जो हमारी फसल को हम कितनी ऊंचाई तक की जैसे ट्रॉली वगैरह होती है उसमें भर सकते हैं? आप इनको आसानी से अपने ट्रॉली जो होता है, बड़ा डंपर होता है, उसमें भी आसानी से ले। अच्छा अच्छा, ऊंचाई कितनी भी ऊंचाई हो उसमें भर देगा। अब थोड़ा बने थे फोल्डिंग वाला, ऊंचा नीचा कहीं भी कर। अच्छा, ऊंचा नीचा भी हो जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे गांव वगैरह में निकालने में इससे प्रॉब्लम हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जी जी। अब थोड़ा सा बात करते हैं फैन की क्वालिटी के बारे में, कितने फैन में ये कटर दी गई है, और थोड़ा सा फैन के बारे में बताइए, कितने फैन लगाए हुए हैं? टू फैन मशीन है ये वाली। अच्छा, टू फैन मशीन है, तो टू फैन मशीन आपने क्यों बनाई है? थ्री फैन या फोर फैन क्यों नहीं बनाई? कस्टमर की डिमांड चलते इस चीजों में। अच्छा अच्छा, कस्टमर थ्री फैन का ऑर्डर देता है तो हम थ्री फैन बनाते हैं, अगर कस्टमर टू फैन का ऑर्डर दिया तो का, अगर फोर फैन मांगे तो फोर फैन देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैंने तो और कटर थ्रेसर में देखा नहीं, ये क्या आपने जाल से रख रखे हैं, ये क्या काम आने वाले हैं, कितने जाल हैं? फसल के जाल रहते हैं, जैसे मतलब सरसों हुआ, गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, इनके आधार से अलग अलग फसल का अलग अलग जाल रहते हैं। जी 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 जी। सकुल भाई, अभी बात करें ड्रम की साइज के बारे में, तो ड्रम की साइज क्या रहने वाली है? 32 इंची, 9.5 के पंखे। अच्छा, 9.5 के जो है पंखे हुए, तो इसमें जो रूटर वगैरह लगे हुए हैं वो कितने है, टोटल रूटर इसमें कितने दिए हुए हैं? इसमें जो नट होते हैं, पिन वगैरह बोलते हैं, इनको एक पत्ती में 9 पिन है और 8 पत्तियां हैं। जी जी, 8 पत्ती हुई हैं। तो 8 इंटी आप इंटू करते हो, 8 नाम 72 आपने रूटर इसमें दिए हुए हैं। अब जैसे बात करें ब्लेड की क्वालिटी के बारे में, और ब्लेड्स टोटल कितने दिए हुए हैं इसमें? ब्लेड इसमें 4 ब्लेड है। अच्छा, 4 ब्लेड दिए हुए हैं। ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। की क्वालिटी इसमें बढ़िया वाली क्वालिटी यूज की गई है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं चद्दर के बारे में, देखिए क्या होता है, मेन जो मेन होता है, क्या होता है कई बार हमारे किसान भाइयों के पास सहारा वगैरह नहीं होता। अब मान के चलो आप लोग जो है लो क्वालिटी का लगा दोगे तो जंग वगैरह लगने की शिकायत रहेगी, तो आप किस क्वालिटी का लोहा लगाते हैं इसमें? अपने इसमें से टाटा कंपनी के सारे माल रहते हैं, अपने पास चद्दर रहती है जो। अच्छा अच्छा, नीचे जो अपनी लपेट है ये मच्छी में यूज की गई है। जी जी जी, साइडों में जो प्लेन होती है अपनी दस गेज वो यूज। जी जी जी, टाटा की बाकायदा मिल रही है। अच्छा, ये मैं फैन यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये फैन क्या काम करने वाला है? ये अपने जो चलने पे जो दाना आता है, फसल आती है, उसको कचरे आता है थोड़ा बहुत, उसको साफ करने। अच्छा अच्छा, उसको साफ कर दे, तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं जो है फसल निकालने के बाद में कहीं एक्स्ट्रा कहीं कचरा निकाल के फेंक दे उसमें अनाज बना जाए? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही कम है, इसमें तो जो कचरा तो उसको साफ करता हूँ। अब थोड़ा सा बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में, जो आपका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स की क्या क्वालिटी है, कितने इसमें गियर्स टोटल दिए हुए हैं? इसमें 5 जॉइंट में गियर आता है, 3 स्टार इसमें गियर है। अच्छा अच्छा, तो इसमें ऑयल वगैरह कितना आने वाला है? 5 लीटर तो अपनी हांडी में आता है, 15 लीटर इसमें जाता है गियर बॉक्स। जी जी जी, तो इसमें जो अंदर गियर्स दिए हुए हैं, तो गियर्स की क्वालिटी क्या है? गियर की क्वालिटी इसमें जैसे अपने फसल के आधार पे, जैसे अपने पास लेबर है वर्कर करने वाले, जी जी जी, उसी के आधार पे गियर लगाते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करें, आपने यहाँ पर सेफ्टी भी दिया हुआ है, तो अभी इसमें 2 गियर्स हैं, ये गियर क्या काम करने वाला और ये क्या काम करने वाला? रिवर्स ब्रेक काम करता है, ये अपना 3 स्टार जो गियर रहता है पहला दूसरा। जी जी जी, स्पीड का गियर होता है ये वाला। अच्छा, ये स्पीड का है, तो हम स्पीड को हाई लो कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बात करते हैं, हम हॉपर को देख पा रहे हैं, जहाँ से हमारा गेहूँ अनाज वगैरह जो भी हम सरसों की निकासी करने वाले हैं, तो इसकी साइज क्या है और इतना नीचा आपने ये क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि कई बार किसान भाई जो कम आकार के रहते हैं वो आसानी से इसमें गला नीचे से ही डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं, दबाने के ऑटोमेटिक अंदर ले लेगा। तो इसकी साइज और चौड़ाई क्या है? इसकी साइज पीछे से 18 है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है हमारे किसान भाइयों को जो है धक्का देना पड़े? किसी को जरूरत नहीं गेयर पे खड़े होने की। अच्छा अच्छा, माल डाल दे सीधा अंदर जाएगा। तो सीधा अंदर चला जाएगा। लगभग लगभग एक बार में जैसे हम गेहूं के बंडल लेते हैं, तो कितने बंडल को हम इसमें अंदर डाल सकते हैं? एक बार में 3 बंडल आसानी से चले जाते, 3 से 4 बंडल चले जाएंगे। जी, ऐसा तो नहीं है मशीन कहीं दबे आपकी? नहीं नहीं, उस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें रोलर वगैरह कितने दिए हुए टोटल? रोलर इसमें अपने इसमें जो नीचे को होते हैं रोलर 2 होते हैं, पीछे 2 बेलन होते हैं। अच्छा अच्छा, 2 बेलन और 2 रोलर आपने दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है जैसे दाना वाना फेंकने की शिकायत आती है या फिर कचरा वगैरह आता है,
तो उसको हम कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ प्रावधान ऐसा दिया हुआ है? बाई चांस दाना उठाने का सिस्टम जो रहता है पड़ता रहता है इसमें बीच सेंटर में। अच्छा, हम बढ़ती करना पड़ता है अपने हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये आपने दिया हुआ है, यहाँ से हम कचरे को जो है जो अपने चालने की साइड जो कचरा आता है उसको डायरेक्ट हम इसमें डाल सकते हैं, जो अपने फसल निकलने के बाद जो बचता है कचरा टाइप का उसमें डाल सकते हैं सीधा। जी जी जी। अब ये आपने यहाँ पे भी एक फैन दे रखा है, तो ये भी क्या काम करने वाला है? ये अपनी जो फसल जो रास आती है उसमें थोड़ा बहुत कचरा आता है उसको साफ कर रहा है ये। अच्छा, तो भूसे की जो क्वालिटी रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है? बिल्कुल बारीक रहेगी, पशुओं के चारे लायक रहेगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल बारीक चारा देगा। अच्छा, एडजस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? जी जी। मेरे किसान भाइयों, अभी भाई ने पूरी जानकारी दी आपको कटर के बारे में कि आप इसको 30 से 35 एचपी के ट्रैक्टर पर भी इसको चला सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसकी गारंटी वारंटी के बारे में। गारंटी, तो गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है? गारंटी हमारी मशीन की 4 साल रहती है, एनबीसी का हम बैरिंग लगा के रहते हैं ओरिजिनल। अच्छा, एनबीसी की जो है ओरिजिनल बैरिंग हमने कस्टमर लगवा सकता है। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं सब्सिडी वगैरह के बारे में, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी की आवश्यकता होती है। तो क्या हमारे किसान भाइयों को आपकी कटर पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पैसा फिलहाल अभी सब्सिडी के हम कह नहीं सकते, आवेदन हमने लगा रखा है, कोटेशन उसका बढ़ा नहीं है अभी जी, टाइम लगेगा। फिलहाल तो हमारे पास सब्सिडी की कोई सुविधा नहीं, आने वाले टाइम आगे तो अपडेट दे देंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और आपने सेफ्टी फीचर्स के लिए क्या किया हुआ है जिससे हमारे किसान भाइयों के हाथ कपड़े वगैरह नहीं जाए? पीछे तो हमने उसमें गियर बॉक्स से पीछे लगा रखा, आगे के लिए फेल बोल्ट है हमारा अलग से आता है, वो भी आए नहीं वो लग जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जैसे मान के चलो इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस क्या रहने वाली है? समथिंग प्राइस हमारे पास 2,90,000 से स्टार्ट होते हैं, कस्टमर जैसे माल मांगेगा उस हिसाब से हमारे पास रेट है। अच्छा अच्छा, 2,90,000 से स्टार्ट, माल हमारे पास बिल्कुल यूज नहीं होगा, नहीं हम माल देंगे। जी जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे मान के चलो आपकी कंपनी तो बड़ौदा में है फैक्ट्री, तो अभी मान के चलो हमारे वीडियो है वो ऑल ओवर इंडिया में देखी जा रही है, तो अभी वो मशीन को खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं? क्या कंपनी में आना पड़ेगा या फिर कोई ऑनलाइन कोई प्रावधान किया हुआ है? दोनों ऑप्शन है, कस्टमर खुद चल के आ सकता है या फिर फोन से बुक करा सकता है। अच्छा अच्छा, फोन से भी बुकिंग हो जाएगी? बिल्कुल। तो कुछ एडवांस पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा? एडवांस तो लगता है। अच्छा, एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। तो अभी मैं कैसे विश्वास करूं कि आपकी ये कटर यहीं पे बन रही है, तो मेरे को कुछ प्रूफ दोगे आप? बिल्कुल, जी प्रूफ बताइए क्या प्रूफ है। तो मेरे किसान भाइयों, अभी कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग खरीद के ले आते हैं और सेल कर देते हैं और हमारे किसान भाइयों के साथ फर्जीवाड़ा कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इनका कारखाना यहाँ पे बना हुआ है और बहुत सारी मशीनें यहाँ पे रेडी हो रही हैं। आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिस है, मनोहरपुर एग्रो इंडस्ट्री, आप देख सकते हो यहाँ पे तो बहुत बड़ा बाड़ा है, यहाँ पर एक साथ 10 से लेके और 20 जो है कटर थ्रेसर यहाँ पर रेडी की जाती है। इधर भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो कटर बनाई गई हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूँ जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। तो मेरे किसान भाइयों, यदि खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।